नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LHA लाइव स्टॉक एसोसिएशन पशुधन सहायक में। और आज मैं आपको बताऊंगा एनिमल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में, पशु प्रजनन हार्मोन्स के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। भविष्य में ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो बताने वाला हूँ जो आपके वेटनरी में बहुत ही काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं कि एनिमल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, वो उनका उपयोग कहाँ पर होता है। तो शुरू करते हैं जनन हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। पहला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। इसका उत्पादन या इसकी उत्पत्ति कार्पस लूटियम जो सीएल होती है वहाँ से होती है। और इसका जो फंक्शन कार्य है वो है प्रेगनेंसी को बनाए रखना, जो गर्भधारण की अवस्था है उसको बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थनों की वृद्धि तथा LH व FSH हार्मोन बनाने को नियमित करता है। जो LH और FSH हार्मोन है उनकी नियमितता को बनाए रखता है और जो थन होते हैं, जो टीट होते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ाता है। दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। इसकी उत्पत्ति फॉलिकल व प्लेसेंटा से होती है और इसका कार्य है कि लैंगिक व्यवहार, जो सेक्सुअल व्यवहार है, वो बनाए रखता है। मादा में लैंगिक लक्षण प्रकट करता है और जनन तंत्र व थनों की वृद्धि करता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो और जो टिट है उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है और LH व FSH को नियंत्रित करता है। तीसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो जिसकी उत्पत्ति वृषण से होती है। यह नर लैंगिक व्यवहार तथा स्पर्म बनाता है, अर्थात जो मेल सेक्सुअल व्यवहार है उसको बनाए रखता है और स्पर्म को बनाता है। अगला है ऑक्सीटोसिन। यह न्यूरोहाइपोफाइसिस, अर्थात जो ब्रेन है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और यह मिल्क लेट डाउन, दूध उतारना और प्रसव, पार्चुरेशन तथा स्पर्म व ओव्यूम को गति देता है, इसका यह कार्य है। और अगला है LH, अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इस यह एडिनोहाइपोसिस ब्रेन होता है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और इसका कार्य है कि अंडोसर्ग को उत्तेजित करना, अर्थात ओवुलेशन को उत्तेजित करता है, कार्पस ल्यूटियम के कार्य को नियंत्रित करना व स्टेरॉइड बनाने का नियमित करना होता है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित कराता है और जो ग्राफीन फॉलिकल से अंडोसर्ग यानी कि ओवुलेशन कराता है और अंडोसर्ग ओवुलेशन के पश्चात जो कार्पस ल्यूटियम बनाए रखने का कार्य करता है LH हार्मोन। अगला है FSH हार्मोन, अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसकी उत्पत्ति एडिनोहाइपोफाइसिस ब्रेन से होती है और इसका कार्य है फॉलिकल की वृद्धि या उसका उद्दीपन करता है, स्पर्म बनाना व एस्ट्रोजन बनाने का नियमित करना, अर्थात जो फॉलिकल होते हैं उसका उद्दीपन या फिर उसमें वृद्धि करता है और जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु उसको बनाता है और ग्राफीन फॉलिकल में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावंत कराना या फिर उसके जो एस्ट्रोजन बनाने का नियमित करना होता है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य नर रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो मैंने आपको बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।